We have an interesting session based on the interview of Vidhan Sabha, and we know very well ki jo Vidhan Sabha hai hamare desh ki, that plays a vital role in our overall economy, in the development of infrastructure and the overall development of the country also. Dekhi, legislative assembly itself means that yes, they are the progressive members, aur uski job ke liye automatically uska jo interview wo progressive to ho gayi hoga. So we have our colleague who is going to pursue. I request the cameraman to please go ahead with the colleague also. So who is going to face this interview? Yes, are you comfortable, dear? Yes, sir. Okay. So would you like to tell something about yourself? I am Amit. मैंने शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से प्राप्त किया. Okay. मैं कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख रहा हूँ. मुझे पढ़ने में खेलने में रुचि है. Right. कुछ और बताइए अपने बारे में. मैं जरूरतमंदों की हेल्प करना मुझे बेहद पसंद है. Yes. और मैं अपने कार्य प्रति बोले थे ईमानदार हूँ. ओके, सो यू बिलीव दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट? यस सर. प्रूव करो हमको कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, हमको प्रूव करो इस बात पे. कोई एग्जांपल दो अपनी लाइफ का. सर, जिस भी कोई भी मतलब आप किसी व्यक्ति द्वारा मुझे कोई भी काम दे दिया जाता है, यस, तो उसे मैं अपने दिल से और अपनी मेहनत लगन से करके उसका रिजल्ट देता हूँ अगले व्यक्ति या पर्सन को. ओके. तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कार्य पर ऑनेस्ट भी हूँ, और जो भी कार्य दिया जाता है, जो कार्य सीमा होती है, उसी के अनुसार उतने टाइम में ही करता हूँ, उसे पहले करने की जरूर कोशिश करता हूँ. वंडरफुल. यस प्लीज. आप राजस्थान के बारे में क्या जानते हैं? राजस्थान से हो? मैम, राजस्थान हमारा संस्कृति का देश है. यहाँ पे बहुत से तीर्थस्थल है, जैसे पुष्कर हो गया, पुष्कर भी है यहाँ पे, हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है. और मैम, राजस्थान में एक रेगिस्तान रेगिस्तान नाम से जब जाना जाता है, जहाँ की सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है. राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा राज्य चौथे स्थान पर माना जाता है. और राजस्थान में, राजस्थान हमारी पंजाब के बिल्कुल नजदीकवर्ती क्षेत्र है. राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? राजस्थान की पॉपुलेशन 6858 6 4927. मैं नहीं समझ में आया, बताइए अच्छे से. 59,53,48,625. और आप गंगानगर के बारे में क्या जानते हैं? गंगानगर महाराजा गंगा सिंह के नाम से गंगानगर से जाना जाता है, और गंगा सिंह के नाम से जाना ताकि यहाँ प्राकृतिक आपदा न आए. यहाँ पे गंगा नगर का निर्माण किया गया जो कि 6 साल में संपूर्ण हुआ, और ये पहले से लिया गया. गंगानगर में 9 तहसीलें 7 उपखंड आते हैं. गंगानगर में गंगानगर में जो है कि शुगर मिल है, जो कि जहाँ पे गन्ने व चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, जो कि एशिया में अपना नाम रखती है. राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोटा जोड़ मारी गंगानगर में स्थित है, जो कि गंगानगर के राजस्थानी रहते में स्थित है. वो बाबा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया. ओके. देखिए, बुड्ढा जोहर जो गुरुद्वारा है, हमने उसका बहुत नाम सुना है. yes, वो राजस्थान का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो मुझे उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? यस सर. बताइए. सर, जब मुस्लिम बादशाह है मोहम्मद शाह जफर अफरुद्दीन नाम से है, तो उन्होंने वहां पे अपने सभी प्रकार के गलत काम करने, दारू पीना, उल्टी जुई खेलना, मतलब हर प्रकार के गलत कार्य वहां पे करने लगे थे. तो सर, बाबा मेहताब सिंह और एक मेहताब सिंह और एक सर नाम मेरे को अच्छी तरीके से याद नहीं है, उन्होंने सर जी उनको यहाँ पे कलेक्टर बन के गए, और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक अलंकियां बना देना चले हैं. तो वो जो मुगल बादशाह वो खुश हो गए, उनके सामने गए और सर अदा किया, तो सर उन्होंने उनका सर काट कर काट दिया. देखिए, सबसे पहले तो जो वसर अंगर नाम था उस व्यक्ति का, जो आप नाम बता रहे हो मुझे, और वो एक मुस्लिम इन्वेडर थे. दूसरी बड़ी बात, वो कलेक्टर नहीं, वो टैक्स कलेक्टर बन के गए थे, और वो अशरफिया लेकर गए थे, और जो नाम है वो है सुखा और मेहताब. राइट. हाँ, तो आप थोड़ा डाटा पे अपने कंट्रोल करो, डाटा को समझने की कोशिश कीजिए. मैं जो डाटा बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. अगर हो सकता है कि दे नो वरी वाल, तो यहाँ को प्रॉब्लम आ सकती है. राइट सर. ठीक है, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस पार्लियामेंट का नॉलेज इनको होना चाहिए, है ना? तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? राज्यसभा में मैम पूरे राजस्थान से होते हैं 238. ओके. और 238 में राज्यसभा. और हमें बताइए कि पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है, क्या फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का सर ये काम है कि जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं, या कोई स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा विभाग है, या राज्य में किसी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, जो सभी ये कार्य विधानसभा के अंतर्गत आते हैं.
और जो मंत्री द्वारा या कोई पुलिस कैटेगरी आ गई आरपीएससी, इसे विधान की संविधान धारा के अनुसार 54 के तहत ये रूल पारित किया गया है, जिसमें कि विधान अब आरपीएससी जो राजस्थान स्टेट के हिसाब से जो राजस्थान गवर्नमेंट उसके लिए आरपीएससी हरियाणा के लिए एसपीएससी जो एक स्टेट के लिए पारित किया गया, उसका मेन काम है विधानसभा के अंडर में होता है, ताकि इन आरपीएससी काम जो भी है विधानसभा अपने द्वारा निर्धारित करे, उनके बाद जितना व्यय जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है या कोई भी प्रोग्रेस की काम आता है वो विधानसभा के अंतर्गत होता है। मनी बिल के बारे में आप क्या कहते हैं? मनी बिल पारित नहीं होते हैं पार्लियामेंट वगैरह के द्वारा, हेल्प नहीं होती इससे? यस सर, तो आपको सारे फंक्शंस मांगे, इवन कॉन्फिडेंस लेवल भी अगर बिलो होता है तो कुछ विश्वास पत्र वगैरह भी कई पार्लियामेंट का ही रोल होता है। यस सर, और बहुत सी ऐसी बातें जो पार्लियामेंट के और भी मेजर फंक्शंस है, यू गो थ्रू दोस फंक्शंस, आपको मालूम होने चाहिए बहुत सारे फंक्शंस। यस प्लीज। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? हरिशंकर शास्त्री। ओके, देखिए मैं चाहूंगा कि आप हमें ये बताइए कि आप इस समय जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़कर आए हैं अपने सिलेक्शन के लिए, उसमें क्या नया पढ़ के आए, क्या नया चल रहा है इन दिनों, क्या आपको नई बात मालूम है? नहीं, आपको आइडिया नहीं है? तो ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगा मेरे ऑडियंस को भी बताना कि देखिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर कोई सुनना चाहता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, तो आप ध्यान रखो इस बात का कि इंटरव्यू के दौरान अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हो और अगर आप ग्रैब रखते हो लेटेस्ट नॉलेज, तो वो पॉसिबल कैसे हो गया? पॉसिबल हो गया आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स द ओनली रूल। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग एटलीस्ट सम लेटेस्ट थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, राइट? तो थोड़ा सा हैपनिंग्स आपको मालूम होना चाहिए कि कंट्री में क्या हो रहा है, तो दैट इज वेल एंड फाइन। चलिए मुझे ये बताइए कि आपका जो रोल है, आप जो आना चाहते हो पार्लियामेंट, वो आपने यही जॉब क्यों चुनी? बहुत सी और जॉब्स थी आपके लिए, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं लाइफ में, yes, और बहुत सी जॉब्स है, आपने यही जॉब क्यों चुनी गवर्नमेंट जॉब? सर मेरा एम था ये विधानसभा में जाने का सर, राइट? तो सर इससे मेरी आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, बिल्कुल। और सर मेरी बड़ी बहन की शादी करना भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। सर जो ये अपने विधानसभा है जो कि अपने में एक लोकप्रिय रखता है, यस, तो सर मेरे जॉब को करने में बहुत इच्छा थी, तो सर इसलिए मैं इसको प्रेफर करना। ओके, मींस यू आर टोटली इंटरेस्टेड इन दिस पार्लियामेंट, आपने पार्लियामेंट को बारे में जो भी मुझे बताया वो अच्छा नॉलेज है आपके पास, इवन आपको गंगानगर के बारे में नॉलेज है, राइट? हम ये जो गंगानगर है आप ये किस तरफ पड़ता है, मतलब इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर ये राजस्थान के उत्तर साइड की तरफ है और पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक लगने वाला पहला जो राज्य है। ओके, देखिए आप इंटरव्यू देने के लिए जयपुर आए हैं, यस सर, तो मुझे कुछ जयपुर के बारे में बताइए। सर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सबसे बड़ी पहली बात है, okay. और इसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ओके, और सर जयपुर के अंदर महाराजा जय सिंह के नाम से फेमस है। ओके, समथिंग एल्स? यस सर, इतना ही पता है। ये गुलाबी नगर क्यों कहलाता है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक नो सर, किंग चार्ल्स विलियम चार्ल्स के आगमन पर मान सिंह जी ने उनका स्वागत किया था और पूरे नगर को गुलाबी करवाया था उस समय, तो थोड़ा सा हिस्ट्री आप गो थ्रू हो, क्योंकि देखो जिस जगह पर आप जा रहे हो उस जगह के बारे में पूछेगा, इवन आपको नॉलेज बहुत कम है, आपको मालूम है जयपुर के अंदर हवा महल है, जयपुर के अंदर अमीर फोर्ट है, तो यू शुड नो सम नेम्स ऑल्सो, आपके पास कुछ अच्छे नेम्स होने चाहिए, सर मेरे ये अवेलेबल है जयपुर में, ये है ये चीजें फेमस है, कुछ बताओ यार, क्योंकि यू आर गोइंग अ प्लेस, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट? ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, पर मैं चाहूंगा कुछ और आप बिल्ड करो, मेबी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फर्स्ट लेडी मिनिस्टर कौन थी राजस्थान की? कमला बेनीवाल। ओके, और टूरिस्ट प्लेस पता है राजस्थान? नहीं मैम, राजस्थान के सबसे बड़ा जो टूरिस्ट स्थल है अजमेर है, वहाँ पे खावतीन चिश्ती की दरगाह भी है, yes. और उसके साथ में पुष्कर भी है। ओके, और एक पुष्कर किस चीज के लिए फेमस है? पुष्कर वर्मा जी के लिए प्रसिद्ध है, वर्मा जी के लिए कि वर्मा जी के मंदिर के लिए? वर्मा जी मंदिर के लिए। वर्मा जी का मंदिर और कहाँ है, सेकंड पार्ट? राजस्थान पुष्कर का पता है, पुष्कर का ही है और कहीं है ही नहीं, बट एक ही मंदिर है वर्मा जी का, वो कहाँ है? पुष्कर, इसीलिए वो बहुत फेमस है। चलिए और बताइए कुछ राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है। ओके, और अलवर में टाइगर अभ्यारण्य है। ओके, और राजस्थान में सर जी सबसे एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धौलपुर। और सबसे बड़ा? जैसलमेर। पोखरण टेस्ट हुए थे वहां? यस सर। राइट, कब कब हुए थे? 1984। श्योर? मैं लॉक कर दूं इस बात को? यस सर। नहीं, आप डाटा चेक करना, दो बार हुए थे, आपको मैं हिंट दे सकता हूं, तो आप डाटा चेक करो, अवेलेबिलिटी कराओ अपने नॉलेज में और चेकअप करो, ठीक है? यार क्या मैं और सीख सकता हूं?
आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते? सर न्यूज़पेपर राजस्थान पढ़ते हैं। राजस्थान गद्दी का पढ़ते हैं, ठीक है। आपने आज का न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा होगा, आप जर्नी पे थे, कल का तो पढ़ा होगा। क्या आपने क्या नए बात सीखी, क्या नई इंफॉर्मेशन गेन करी इन दिनों की? इन दिनों क्या लेटेस्ट चल रहा है देश में? देश में सर इस टाइम तो कि अच्छी तरीके बहन भी लग रही है। हाँ, तो देखिए मैं आपको एक बात कन्वे करना चाहूंगा कि चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, चाहे आप जीके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ये मैटर नहीं करता। यस सर, डिलीवर अपनी बात को कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यूज आपसे बहुत बार पूछेगा कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, कि मैगजीन पढ़ी आपने, क्या लेटेस्ट पढ़ा, क्या नॉलेज लिया। आपके पास तैयारी होनी चाहिए उस बात की कि इन दिनों देश में क्या चल रहा है, इन दिनों विदेश में क्या चल रहा है। एटलीस्ट आपको पेरिफेरी नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। सिर्फ जवाब देना ही बात नहीं रहती, अपने नॉलेज को अपडेट रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपका अगर नॉलेज अपडेट नहीं है तो यू विल फील समवॉट लैकिंग, आप कहीं कहीं लैक करोगे, आपको लगेगा यार नहीं अभी और अच्छा हो सकता है, तो आप करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, आपने अपने गट्स करो। देखिए मैंने आपसे अभी तक जनरल क्वेश्चन इंटरव्यू के नहीं पूछे, मैंने अभी तक आपसे क्या पूछा है, जो भी बातें कॉमन है, मगर इंटरव्यूअर आपसे बहुत तरीके की बातें घुमाकर करेगा, वो आपको बोलेगा कि हम आपको क्यों लें, तो आपके अंदर ऐसी क्या अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली आपको अपने बारे में कुछ अच्छा भी बताना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ जवाब दे सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वाई शुड बी सिलेक्ट यू? सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ओके, आपने मेरे ईगो को सेटिस्फाइड किया, दैट्स वेरी नाइस। सर मैं अपने कार्य को पूरी सच्ची ईमानदार और निष्ठापूर्वक करूंगा। वंडरफुल सर, मैं आपसे करना चाहूंगा कि सर मुझे एक चांस दो ताकि मैं अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करके अपनी कार्य की एबिलिटी को योगदान को बता साबित कर सकूं। ओके यस प्लीज रिपी, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? टेल अबाउट योर फैमिली। हम फैमिली में चार मेंबर हैं, मेरे पापा टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं, मम्मा गृहिणी है, बड़ी सिस्टर भी गृहिणी। आपके सिस्टर जॉब करते हैं? नो सर। क्यों, वो तो पढ़े लिखे, उनको जॉब करनी चाहिए। सर फैमिली में कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है सर जिस वजह से वो है कि फैमिली थोड़ी बैकवर्ड एरिया से है। ओके, उनकी इंग्लिश में सर जॉब करना चाहिए। ओके राइट। और राजस्थान का प्रेजेंट राज्यपाल कौन है इस टाइम? वैसे आप किसी का अगर नाम लेना तो आप आगे श्री लगाइए या मिश्र लगाइए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, जैसे हम नरेंद्र मोदी डायरेक्ट मत बोलना, ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर, तो श्री मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ रेस्पेक्ट दो यार, यू आर हेयर टू रेस्पेक्ट द पीपल। गॉट इट? हाँ यस, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने जो भी हमें इंटरव्यू दिया है उसमें आपको भी क्या लैकिंग लग रहा है, आपको क्या कमी लग रही है, आपको क्या लगता है सर ये चीज मुझे लगी कि मैंने इंटरव्यू में कमी रखी? सर जीके नॉलेज भी ज्यादा। ओके, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि आपका जनरल नॉलेज आपको अपडेट करना है, कैसे करना है मेरे ख्याल से आपसे मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। yes, और आपको कोई टॉपिक के अंदर आपको कमी लगी कुछ की सर ये पॉइंट्स मुझे भी क्लियर आउट करने हैं? सर आई थिंक नो जीके। ओके, रवि आपको क्या लगता है इधर क्या अच्छी बात है सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा? सर इन्होंने कोशिश हर आंसर देने की करी है। बिल्कुल। ओके, और वीकनेस आपको क्या लगता है? वीकनेस फर्स्टली तो सर आई स्पीकिंग के अंदर आप थोड़ा अटक रहे हो भी, और योर कॉन्फिडेंस लेवल इज लेस और योर आई कॉन्टेक्ट ऑल्सो राइट। देखिए बेसिकली जो आपका इंटरव्यू है स्टूडेंट्स, जितने भी आप पार्लियामेंट वाले बच्चे हो या जो जिनको लगता है सर विधानसभा एक बहुत ही बड़ी चीज है और मैं चाहता हूं सर ऐसी जॉब के अंदर मैं जरूर जाऊं, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जब विधानसभा का जो इंटरव्यू है वो रहता तो हिंदी में ही है। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अंग्रेजी बनना है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, पर नॉलेज गेन करो, नॉलेज इज नेसेसरी, क्योंकि हो सकता है वो आपसे किस मोड में कहां बात को ले जाए, क्या क्वेश्चन पूछे, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। इंटरव्यू इज वेरी ट्रिकी, उसे मालूम चल जाता है आपके दो आंसर्स के अंदर अंदर कि आप किस टॉपिक को पढ़ गए और किस टॉपिक को नहीं पढ़ कर आए, तो वो ही इज अ वेरी ट्रिकी मैन, तो वो इन बातों पर आपको जरूर चेक करेगा कि आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका बात करने का वे कैसा है, अंदाज कैसा, आप शुरुआत कैसे करते हो बात को। जैसा कि ये हमने अभी तक इसके ऊपर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर चर्चा नहीं की है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो इंटरव्यू सेशन है, दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर यू आई शुड से, इट इज फॉर एवरीबडी दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी बच्चे इस समय विधानसभा का इंटरव्यू देना चाहते हैं या दुनिया का कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो अगर आपको अपनी जगह आपको रखे या आप ऐसा एज्यूम करें कि कल हम वहां बैठे हो और सर हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, तो
एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि उनका जो मोटो होना चाहिए वो इस इंटरव्यू से ये नहीं है कि वो सिर्फ ये देखे कि इन्होंने आंसर क्या दिया है। द वे ही प्रेजेंटेड, जो हमने वीकनेसेस बताई है ये उनको सर्च आउट करे और मेजर उन वीकनेसेस को अप्लाई करे कि वीकनेसेस क्या वाकई में हम में है, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम में है तो वो उसे रिमूव करे, दैट्स द बेस्ट रूल। तो मेरा मानना है कि इस मॉक सेशन से आप बेनिफिट लीजिए, जितना हो सके आप उससे नए नए टिप्स लीजिए। एट द लास्ट ऑफ द सेशन ऑफ दिस, इस सेशन के लास्ट में मैं कुछ वीडियोस लगा देता हूं आपके यहां, आप उन वीडियोस को जब क्लिक करेंगे लास्ट सेशन के अंदर जो मैं आपको स्क्रिप्ट्स दूंगा उनके अंदर आप पाएंगे कि मैं आपको कुछ इस तरीके के वीडियोस दे दूंगा जो आपको टिप्स देंगे इंटरव्यू के, कि आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं और क्या उनके आंसर्स होते हैं। जब आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे तो मेरा मानना है कि आपके सिलेक्शन को चांसेस बहुत दूर नहीं है, आपका सिलेक्शन का चांस बहुत नियर हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेस विद यू, और मेरे बेस्ट विशेस सबसे पहले अमित के लिए कि अमित का इंटरव्यू है, तो अमित मेरी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं अभी, अगर मैं एवरेज अगर आपको मार्क्स दूं तो मेरा मानना है कि अभी आपकी एवरेज मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 65 चल रही है आउट ऑफ 100, तो मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा और ब्रशअप करें तो 75-80 मार्क्स के आसपास आप पहुंच सकते हैं इंटरव्यू में इसी, राइट? तो आप ग्रूम अप कीजिए अपने आप को, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।